करता कितनी खाऊं। ऐसे मम्मी लोग बता रहे कि वो लकड़ी के सारे निकालते थे फटाफट, जब घर में कोई बनाता था जैसे नानी लोग हो गए ना, वो बनाते थे तब ऐसे खींचते थे। ये हमारा खेत, यहाँ तो अभी धूप नहीं आई हमारे खेत में और इतने गीले हो रखे हैं ना खेत। ससुर जी के खटे बनो ला कुछ कर ला थोड़ा। गांव में लोग सब गोबर ले जाते ना, तो जिस दिन जिसका गोबर रहता प्रसाद बनाते बनाते। और आज पहला दिन होगा जब हम बाहर में खाना खा रहे। थोड़ा सा मैंने मटर निकाल दिए, बन के तैयार है हमारे लगड़े। सुबह सुबह इतनी भयंकर ठंड है ना, तो उठ के सीधे यहाँ पे आया सबसे पहले और चूल्हे में आया, तो इसलिए आज के दिन की जो शुरुआत है वो चूल्हे से हो रही है। मतलब आग सेकते सेकते करेंगे आज के दिन की शुरुआत। स्वागत है आपका देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से और चिड़ियों की सुबह सुबह की इन चहकने वाली आवाज से। और चलो आज का दिन शुरू करते हैं। तो मेरे गांव का नाम है चुपड़ियाल गांव, जो पड़ता है उत्तराखंड राज्य के टिहरी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट के चंबा ब्लॉक में। दूसरी चीज आप देख रहे होंगे, आज कमरा खूब साफ लग रहा है, तो मैंने इसकी लिपाई की थी और अभी तक ये सूखा नहीं। देखे फर्श अभी भी गीला हो रखा है, उसके साथ साथ जो ये चूल्हा है इसमें हमने बनाना था लेकिन अभी भी अंदर से पूरा सूखा नहीं है। तो थोड़ा बहुत जब अच्छे से सूख जाएगा तो फिर हम इसमें आग जलाना स्टार्ट कर देंगे। और मैं बना रहा हूँ सुबह सुबह रोटियाँ। तो मुझे चूल्हे में रोटी बनाना बहुत पसंद है क्योंकि गैस में फिर खड़े खड़े मुझसे नहीं हो पाता, इसलिए चूल्हे में आराम से बैठ के आग भी सेको साथ साथ में, और इतनी ठंड में तो बहुत ही मजा आता है। तो देखो मम्मी भी आ गई अब चूल्हे में, और रोटी पकाने का काम अब मम्मी का है, और मम्मी खा भी रही है बना भी रही है। समझे आप, मतलब पहली बार मोटा मोटा तोड़ दे, जब मोटा मोटा मतलब मम्मी को जब ब्योनी थे ना वही, तो मामा लोग क्या करते थे कि जब रोटी बनते थे तो फटाफट खींच थे, तो मम्मी भी लोग भी यही करते थे कि लंबी लाखड़ी रखने थे और वह थे जनी रोटी पकी सट गोपन थे और फटाफट खींच देना थे। क्योंकि आपने देखे हो ना कि जो चूल्हे की रोटी खाने में जो मजा है वो कहीं भी नहीं, मतलब इसमें अलग ही टेस्ट आता है। दूसरी बात की जब गरम गरम रोटी आप चाय के साथ खाते हो तो बहुत मजा आता है, मन करता कितनी खाऊं। तो ऐसे मम्मी लोग बता रहे कि वो लकड़ी के सारे निकालते थे फटाफट, जब घर में कोई बनाता था जैसे नानी लोग हो गए ना, वो बनाते थे तब ऐसे खींचते थे। तो यही हाल है, मैं बना रहा था, मम्मी आई फटाफट गरम गरम रोटी चाय के साथ लग गई खाने, क्योंकि ठंड बहुत है और चाय पीना बहुत ज़रूरी है, इसलिए चाय भी पी रहे और सुबह सुबह की रोटियां भी बन रही है इस चूल्हे में। ठंडे पाँव बिल्कुल भी, फर्श इतना ठंडा रहता है ना बिल्कुल रहा नहीं जाता, और ये हमने लेप तो रखा है लेकिन ये फर्श पक्का है और इसकी वजह से यहाँ ठंडा काफ़ी है। भले चूल्हे में आग जल रही है लेकिन गर्म फिर भी उतना नहीं है, तो इसलिए हम चप्पल पहन रखे हैं। अभी सुबह के बज रहे हैं 9:30 और हम जा रहे हैं नीचे खेतों में, और खेतों में वही काम है डेली का, गोबर ले जाना है, और आज हम वहीं से ले जाएंगे, किसी का खरीद रखा है हमने। तो ये पहुंच चुके हैं हम अपने खेतों में, और ये हमारे खेत, और थोड़ा मम्मी ने पहले से गोबर ला रखा है। जो हमारे खेत है वो देख रहे होंगे आप, पूरे के पूरे सब खेत खाली हो गए। मम्मी भी पता नहीं किसके साथ फोन पे बात कर रही है, पता नहीं क्या क्या बातें लगा रही है मम्मी। ये हमारा खेत, यहाँ तो अभी धूप नहीं आई हमारे खेत में और इतने गीले हो रखे हैं ना खेत, वो भी पाले की वजह से। हमें कहीं यहीं आसपास से लाना है बस गोबर, आज पूरे खेतों में डालना है और बस वही लाते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। यहाँ से भरे हम गोबर और इस साइड ले जाने हमने ऊपर, और यहाँ सामने इतने प्यारे प्यारे पहाड़ दिख रहे हैं ना, ये देखा आज की बुआरियों का हाल। मतलब एक ससुर जी छन मोल था ना हरियो के छन घाम तापड़ हैं बोजी, कुछ समझा दे उनके हैं। अच्छा और बोजी नहीं बैठी, चला बोजी के ना क्यों भैंसों को और कुछ नहीं,
ये दिखा दे, ये नी ससुर जी के खटे बनो ला कुछ कर ला, यू डाल नहीं गया अपन है थोड़ा थोड़ा, एक गिलास पानी छन पिलो ना, हाथ पाना यू जे लोड चाय बनाई छन छन ते बात है छोरी, क्या छन काम छन कापण बैर बैर, और हमने इनके साथ मजाक किया था और ये सीरियस हो हमारे लिए प्रसाद बना दिया। और वैसे भी जब गांव में लोग सब गोबर ले जाते हैं ना, तो जिस दिन जिसका गोबर रहता है प्रसाद बनाते बनाते, और इन्होंने स्पेशल हमारे लिए प्रसाद बनाया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बारी हो तो ऐसी हो, अब मैंने थोड़ी देर पहले बेइज्जती मारी थी, अब तारीफ करूँगा। चलो इसको खाते फिर जाएंगे घर। बात तो आखिरकार हमने गोबर भी ला दिया है सारा का सारा, और ऊपर खाली जाना है हमने, इसलिए थोड़ा इसको ले जाएंगे, और जितना बच जाएगा तो बच जाएगा, नहीं तो थोड़ा बहुत ऊपर ले जाते हैं। तो अभी बज रहे हैं दिन के 2, और नीचे से आने के बाद ना इतनी थकान लग गई थी, थोड़ा देर हमने आराम किया, मम्मी तो नहा धो के तैयार हो गई, और इसलिए आज ठंड लग रही है ना, तब खाया मम्मी ने बाहर, नहीं तो मैं तो बहुत दिनों से बोल रहा था कि बाहर में खाते धूप में, क्योंकि मज़ा आता खाने में, लेकिन आज मम्मी को खुद ठंड लग गई तब खाए बाहर में। और अब खाते हैं खाना, खाने में क्या है, सुबह हमने सब्जी खाई थी ना, और इस टाइम कापली बनी है पालक और राई की, और ये देखो मम्मी ने बनाई है तो अच्छी होगी, और अब खाते इसको। और आज पहला दिन होगा जब हम बाहर में खाना खा रहे हैं। अभी हम दोबारा से फिर से लग गए नीचे जाने खेतों में, और क्योंकि एक चक्कर में हम सारा घास ला नहीं पाए थे ना, बाप रे खेत में पहुंचते इतनी भयंकर ठंड लगने लग गई ना, क्योंकि यहाँ धूप भी चली गई, और धूप जो है यहाँ पे बीच में ऐसा पेड़ है उसकी वजह से धूप बिल्कुल भी नहीं। अभी हम पी रहे चाय क्योंकि थकान बहुत ज़्यादा लग गई आज, और टाइम जो हो रहा है अभी बज रहे हैं 5, तो 5 बजे नहीं है मतलब बजने वाले, और मैं जाऊंगा वहाँ खेत में मटर लेके आता हूँ वहाँ से, और मतलब थोड़ा बहुत मटर है सब्जी के लिए, फिलहाल पीते हैं चाय। छोटी सी टोकरी लाया हूँ मैं, और इसमें लाते हैं मटर। तो यहाँ पे हमने बो रखे हैं मटर, छोटा सा खेत है देख सकते हैं, तो वैसे भी अब सनसेट होने वाला देखिए सामने, और इस छोटे से खेत में मटर भी हैं थोड़ा बहुत, इनको निकालते हैं। तो चलिए मटर भी मैंने तोड़ दिए, और ये मटर जो है ना इतनी मीठी हो रही है, मतलब मैंने उतनी यहाँ रख दी और थोड़ा बहुत खा भी लिए साथ साथ में, और ये देखिए थोड़ा सा मैंने मटर निकाल दिए, और मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था मतलब कि इतनी ज़्यादा मटर होंगी यहाँ पे, नहीं तो मैं थोड़ा बड़ा बर्तन लाता, क्योंकि मैंने फिर मोटी मोटी फलियाँ ही तोड़ी और छोटी छोटी वहीं रखी हैं। अभी बज रहे हैं रात के 6:30, आज दिन भर काफ़ी ज़्यादा काम किया ना उसकी वजह से थकान ज़्यादा लग गई है, और इस थकान में आज मेरा मन कर रहा था लगड़ा खाने का, तो मम्मी बना रही है लगड़े, और लगड़े बनते हैं पता कैसे, मतलब आटा और चीनी का घोल बनाना है, और उसको सीधे कढ़ाई में या फिर जो भी आप जैसे या तो पकौड़े के जैसे बना सकते हो, और दूसरी बात हम बना रहे हैं चूल्हे में रोटी जैसे, तो बहुत अच्छे होते खाने में, इसलिए बहुत मन कर रहा था आज इनको खाने का। साल भर से ज़्यादा हो गया मैंने ये खाए नहीं थे, लेकिन आज खाते हैं। बनके तैयार है हमारे लगड़े, और देखिए थोड़ा जल भी गए हैं क्योंकि यहाँ पे आग बहुत तेज़ जल गई, और एक चौथा लास्ट है इस पर थोड़ा सा बचा है 5, तो 5 लगड़े बन चुके हमारे, इनको खाते हैं। और चलो आज के ब्लॉग में बहुत हो गया, और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। आपसे मिलते हैं अब दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।